इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है और आज भी मुंब्रा कौसा में कई जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। सबसे पहले हम आपको लोकमान्य सावरकर नगर प्रभाग समिति का आंकड़ा बताते हैं। आज भी यहाँ पर 23 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं और यहाँ का कुल आंकड़ा बढ़कर 346 तक पहुँच गया है। वहीं बागले प्रभाग समिति में भी आज 13 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, यहां भी आंकड़ा बढ़कर 217 तक पहुंच गया है। वहीं मुंब्रा प्रभाग समिति में भी आज 12 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं और कौसा में 4 मरीज पाए गए हैं, अमृत नगर परिसर में 1 और मुंब्रा में 3, संजय नगर में 1, ठाकुरपाड़ा में 1, काका नगर में 1 और चरनीपाड़ा में भी 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें से 6 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। और मुंब्रा प्रभाग समिति में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 195 तक पहुंच गई है। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीज मिलना बहुत बड़ा चिंता का विषय है और ठाणे में अब तक सबसे ज़्यादा आंकड़े लोकमान्य सावरकर नगर का है, जहां 346 केस आप तक सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बागले प्रभाग समिति है, जहां पर 217 केस सामने आ चुके हैं और तीसरे नंबर पर मुंब्रा प्रभाग समिति है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 195 तक पहुंच गई है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं, सर्दी बुखार है, कुछ और नहीं है, ऐसा उनका कहना है। मगर आपको बता दें कि कोरोना का लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो शासन प्रशासन को इसकी जानकारी दें और खुद भी सावधानी बरतें, एक दूसरे के संपर्क में ना आएं और तत्काल इलाज इसका करवाएं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।